नमस्कार। तो आज आप हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। रिलायंस इंफ्रा की बात की जाए तो स्टॉक में 3-4% की आज तेज़ी फिर से देखने को मिले। स्टॉक पॉजिटिव मूव जनरेट कर रहा है, काफ़ी दिनों बाद उछाल भी देखने को मिले कंटिन्यूस 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ से तेज़ी बनती है तो 200 के करीबन रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक के लिए, जो कि ब्लू कलर का लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसी के साथ ग्रीन कलर की लाइन है 100 डेज का मूविंग एवरेज, वो भी एक रेजिस्टेंस, दोनों साथ में तो 200 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम की तरफ भी नज़र डालोगे तो वॉल्यूम इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। अगर वॉल्यूम और अच्छे क्वांटिटी के साथ आएंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन थे तो स्टॉक ने इजीली ब्रेकआउट लेके रैली जनरेट की थी। पर रिसेंटली वॉल्यूम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़े से वॉल्यूम्स वीक है, जिसके कारण स्टॉक ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बन सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही कि वॉल्यूम इम्प्रूव हो जाए, जिससे स्टॉक तेज़ी बना के रखें।